नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है गैजेट ऑल के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी लोगों के लिए लिखा है बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज। आज का सबसे पहला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi ने आज अपना Mi 10 और Mi 10 Pro फाइनली लॉन्च कर दिया है। बस इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। Mi 10 और Mi 10 Pro में जो कॉमन स्पेसिफिकेशन वो है 6.7 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, Snapdragon 865, दोनों में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। Mi 10 में 8GB रैम, 120GB मेमोरी, लेकिन Mi 10 Pro में 12GB रैम, 120GB मेमोरी, दोनों में 4500 mAh का बैटरी। लेकिन अगर मैं कैमरे की बात करूं तो Mi 10 में 108, 13, 2 और 2 मेगापिक्सल का सेटअप, और जो Mi 10 Pro उसमें 108, 12, 20 और एक 8 मेगापिक्सल का सेटअप, मतलब दोनों में ही हमें 108 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। अब जो मेन सवाल, 108 मेगापिक्सल तो दिया है, क्या इसका क्वालिटी दुनिया का सबसे बेहतर है? आप DxOMark पे भी देख सकते हैं। तो DxOMark में अभी जो टॉप स्मार्टफोन है उसका नाम है Mi 10 Pro, जो कि कैमरे के मामले में सबसे बेहतरीन है और ऑडियो कैप्चर के मामले में भी सबसे बेहतरीन है। तो इसका मतलब ये जो कैमरा ये बस दिखावे के लिए नहीं है, परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा करता है। और Xiaomi के इंडिया हेड मोनू जैन ने ऐसा ऑलरेडी कह दिया है कि बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं कि इंडिया में किस दिन में लॉन्च होगा। वैसे एक चीज मैं कहना भूल गया, Mi 10 का प्राइस शुरू हो रहा है 3999 मतलब लगभग 40,000 रुपए से, और Mi 10 Pro शुरू हो रहा है 4999 मतलब 50,000 रुपए से। तो Xiaomi इंडिया में मतलब इस महीने 17 फरवरी को एक नया ब्लूटूथ डिवाइस लॉन्च करने वाला है, जो दिखने में बिल्कुल ऐसा होगा, और इसका प्राइस होगा एग्जैक्टली 2,000 रुपए इंडियन रुपीज में, और ये दरअसल एक ब्लूटूथ स्पीकर है। तो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए एक बुरा न्यूज है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया में बहुत ही जल्द जितने भी स्मार्टफोन बिक रहा है वो सभी के सभी स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ेगा, और एज ए रिजल्ट हमें ऑलरेडी Redmi Note 8 का प्राइस बढ़ा हुआ मिल रहा है। वैसे ये जो प्राइस बढ़ रहा है ये दरअसल कोरोना वायरस के कारण ही हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है मतलब सप्लाई कम है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्मार्टफोन का प्राइस भी बढ़ेगा। अब Redmi Note 8 इंडिया में शुरू हो रहा है 10,500 रुपए से, जो कि पहले 10,000 रुपए में मिलता था। तो iQOO 3 मतलब iQOO की तरफ से आने वाला सबसे पहला इंडिया में लॉन्च होने वाला 5G स्मार्टफोन, जो कि इस महीने के आखिर में लॉन्च होगा, और कहा जा रहा है कि इसके साथ एक प्रो वर्जन भी होगा, मतलब iQOO 3 और iQOO 3 Pro दोनों लॉन्च होगा। और ये जो डिवाइस बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव डिवाइस होगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे iQOO का टीजर पोस्टर भी आ चुका है। वैसे iQOO 3 और iQOO 3 Pro में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा इसके ऊपर मैंने बहुत ही छोटा टीजर वीडियो बनाया है, आई बटन में आप उसे देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं पिछले एक या डेढ़ महीने से आपको कह रहा था, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अभी MWC 2020 में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो फाइनली MWC 2020 कैंसिल हो चुका है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन रिलेटेड जो इवेंट था वो अभी कैंसिल हो चुका है। मतलब उस इवेंट में जो जो भी डिवाइस लॉन्च होने की उम्मीद थी वो सारे के सारे डिवाइस किसी अलग टाइम में लॉन्च होगा। अगर न्यूज है लिनोवो की तरफ से, और एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है, आपको तो बताइए मॉडर्न डे में गेमिंग एक बहुत ही मेन चीज है, इसीलिए बहुत सारे कंपनी अपने गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। अब लिनोवो भी एक गेमिंग स्मार्टफोन मार्केट में उतरने वाला है अपने लिनोवो लीजियन सीरीज के स्मार्टफोन के साथ। जैसे लिनोवो का लीजियन सीरीज का लैपटॉप होता है, अब होगा लिनोवो का लीजियन सीरीज का स्मार्टफोन, और ये स्नैपड्रैगन 865 के साथ आएगा और इंडिया में भी लॉन्च होगा। तो MWC 2020 क्योंकि कैंसिल हो चुका है, और इस इवेंट में ओप्पो फाइंड X2 लॉन्च होने की उम्मीद थी, तो अब ये स्मार्टफोन मार्च महीने पे लॉन्च होगा, और वैसे मार्च महीने के सेकंड वीक में लॉन्च होने की अभी बात चल रहा है। तो आज का टेक न्यूज यही था, वैसे आज बहुत ही कम न्यूज था, तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा टेक न्यूज आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।